खुशी इस बात की हुई जब हम परफॉर्मेंस देख रहे थे अपनी बहनों का, कुछ दिनों में ही हमको लगता है कि कोई प्रोफेशनल तो है नहीं। ये ट्रेनिंग दी जाती है जब एनुअल फंक्शन आना होता है, उससे पहले ट्रेनिंग दी जाती है एंड दे आर परफॉर्मिंग लाइक एन स्टार, लाइक अ प्रोफेशनल। अगर इस तरह का अगर उन लोगों को ट्रेनिंग लगातार समय समय पे मिले तो क्या माधुरी दीक्षित होंगी, क्या कैटरीना कैफ होंगी। तो आप देखिए क्या गजब का, मतलब एवरीथिंग यू सी द आर्किटेक्चर ऑफ दिस बिल्डिंग, द स्टेज, द पोडियम, द ड्रेस व्हाट दे वर वेयरिंग, द कॉस्ट्यूम्स व्हाट दे वर वेयरिंग, सो प्रोफेशनली, मतलब इतना अच्छा परफॉर्म है। सीरियसली आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट दे विल परफॉर्म लाइक दैट। नाउ आई एम रियली रिग्रेटिंग व्हाई आई वाज नॉट देयर एट द स्पोर्ट्स डे ऑफ योर्स। अब तो देखना बनता है, अब तो रश्मि मैम आप बस फोन कर देना, आने की जरूरत नहीं है। या व्हेन यू विल बी मेकिंग अ प्लान फॉर द स्पोर्ट्स डे आई एम फंक्शन, प्लीज मेक मी द पार्ट, एटलीस्ट आई लर्न समथिंग एंड आई विल इंप्लीमेंट to my state, to other colleges, to other schools, and I'll tell them how you people have been working. Ye kaam kaise ho raha? Because you people are working like in a team. Ek team ke taur pe, chahe students ho, chahe administration ho, chahe faculties ho, teachers, lecturers, ek team ke roop mein aap log kaam kar rahe hain. Main batana chahta, being as a deputy chief minister, people have lots of expectations from me. और मेरी लड़ाई है पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने का। आज के दौर में लोगों को पढ़ लिख करके जाएंगे तो नौकरी मिलनी चाहिए, वरना डिग्री का क्या काम होगा। हम तो बड़ा कोशिश कर रहे हैं लोगों को नौकरी मिले, लेकिन मुझे खुशी है कि 10 लाख नौजवानों को बिहार सरकार नौकरी देने जा रही है, जिसमें शिक्षा विभाग में केवल 3 लाख नौकरियां होंगी और ये काम होगा। स्वास्थ्य विभाग में 1,07,000, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। जो 10 लाख का कमिटमेंट हम लोगों ने किया उसका हम लोग बकायदा पूरा करेंगे। बस कुछ दिनों में जो है इसकी शुरुआत हो जाएगी। लाखों पदे जो है खाली पड़े पद जो थे, जो वेकेंट पद थे, उसको हम लोग भर रहे हैं। हम लोग सारा काम इस दिशा में कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात जरूर यहां कहना है कि अभी खुशी हो रही थी रविशंकर जी बताते, आई सी ही एज माई गार्जियन, मैं इनसे काफी कुछ सीखता भी हूँ, बोलता भी हूँ। जब मैं छोटा था तो देखते थे, स्कोप पर्सन रहते थे पार्टी के समय, हम राजनीति में भी नहीं आए थे, तब भी हमको बहुत कुछ सीखने का इनसे मौका मिला और आज भी सीख रहे हैं।